शहर के आम नागरिकों को एक बार फिर दुर्ग शहर में चल रही राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ गया, जहां लंबे समय से आवाजाही के लिए अंडरब्रिज खुलने का शहरवासियों को इंतजार रहा, वहीं आज होने वाला उद्घाटन भी टल गया। शहर दुर्ग की जनता सहित पटरी पार क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा दो स्थानों पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसमें रायपुर नाका व धमधा ओवरब्रिज शामिल हैं, जिनके पूर्ण होने के बाद भी लेट लतीफी कर रहे इन आम जनता के लिए लोकार्पित नहीं किया गया, जिससे शहर में इस बात को लेकर काफी चर्चा है। गौरतलब है कि शहर की जनता की सुविधाओं के लिए बुधवार को रायपुर नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के हाथों उद्घाटन किया जाना था, जिसकी तैयारी को लेकर बकायदा निगम प्रशासन ने आमंत्रण कार्ड तक छपवा लिया था, मगर वहीं राजनीति के चलते शहर की जनता को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह शहर विधायक अरुण वोरा ने जिला कलेक्टर के साथ अंडरब्रिज का निरीक्षण भी किया और इसे आम जनता के लिए पूर्ण रूप से तैयार माना, लेकिन दोपहर बाद रेलवे प्रशासन के एक आदेश में निगम की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज को अपूर्ण बताते हुए लोकार्पण की इजाजत नहीं दी। इसी कड़ी में पटरी पार पार्षद अरुण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है, एक विधायक क्या होता है, कितनी बड़ी ताकत है, विधानसभा का एक प्रमुख व्यक्ति है, मुख्यमंत्री भी एक विधायक हैं और ये भी एक विधायक हैं। इनकी तुलना करिए, 1750 करोड़ रुपए एक विधायक जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और यह 17 करोड़ का भी नहीं कर पाते अपने दुर्ग शहर के लिए। आज एक छोटी सी चीज़ थी जो रेलवे अंडरब्रिज जनता के लिए इतनी ज़रूरत है, इसका खुलना, उसके लिए जनता खुद आई थी लगभग एक महीने पूर्व कि हम इसको खोलेंगे, उन पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, यहाँ के जनप्रतिनिधि हम पर लाठीचार्ज करवाया, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाएं, उसके बाद भी वो किस लिए ऐसा किया इन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री जी से करवाऊंगा, ठीक है आप करवाइए, पर करवाइए तो, पर आज भी, आज का डेट देने के बाद भी, आज शाम को खोलने का पूरा गृह मंत्री प्रभारी मंत्री के द्वारा खोला जाएगा ऐसा उनके द्वारा बयान आया, पूरे प्रेस में आया और वो नहीं खोल पा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य है दुर्ग शहर का कि उसका जनप्रतिनिधि इतना कमज़ोर क्यों है, इस कमज़ोरी का फायदा नहीं नुकसान ही होगा। अगर अभी भी वक्त है, समय रहते अगर वो नहीं संभले तो 6 महीने बाद चुनाव है जिसका जवाब जनता देने के लिए खड़ी है। कहीं अपूर्ण नहीं है, आप जाइए देखिए, हम पर लाठीचार्ज करवाया है उन्होंने, तो हमने केंद्र को लेटर लिखा कि आदरणीय मोदी जी ये देखिए, राजनीति के कारण ये अंडरब्रिज रेलवे का जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है और इस पर इन लोगों के द्वारा राजनीति की जा रही है, इन्होंने हमारा रोका, हमने इनका रोक दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सीधे तौर पर आमने सामने आ गई और शायद यही वजह है कि लोकार्पण के ठीक पूर्व आया रेलवे प्रशासन का आदेश केंद्र में काबिज भाजपा शासन के प्रभाव को माना जा रहा है। इस घटना ने शहर की राजनीति को गर्मा तो दिया है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि राजनीति होड़ के बीच आम जनता को अंडरब्रिज की सौगात कब तक मिल पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।